राहुल द्रविड़ इतने सीरियस टाइप के इंसान वीरेंद्र सहवाग गाने गा रहे तो आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट में तो आप कुछ बात भी नहीं करते हो नहीं बिल्कुल भी नहीं आ, बड़ा मजा आता है उनके साथ खेलने में क्योंकि वो वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते तो उनके साथ वो ओपनिंग <laughs> वो <laughs> वो रास्ते में अपने रास्ते बट कभी-कभी वो मुझसे पूछते थे कि भाई ये कैसे तो मैं भी उनको एक्सप्लेन कर सकता था कि मैंने ये शॉट कैसे मारा या क्या मारा आ, बट लेकिन उनकी एक चीज़ बड़ी खास बात थी कि वो हमेशा ये रियलाइज़ कराते थे, थे कि ये टेस्ट मैच का इम्पॉर्टेंट टाइम है तो इस टाइम पर विकेट नहीं गिरना चाहिए तो वो खास बात थी चाहे वो लंच से पहले का टाइम हो चाहे वो टी से पहले का टाइम हो चाहे वो एंड ऑफ द डे से पहले का टाइम हो तो वो उस टाइम में आके आपको रियलाइज़ज़ कराते थे, थे कि भाई ये तीन चार ओवर हैं तो इस टाइम में हमें विकेट नहीं देना इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस तो ऐसा ही हुआ जब मैं 284 मैंने नॉट आउट बनाया वो सिर्फ इसलिए बनाए कि मैं नॉट आउट रह गया कि राहुल ड्रवुड मेरे पास आए उन्होंने कहा कि दिन के तीन या चार ओवर बचे हैं तो ये आप खेल जाओ अगले दिन आओगे इमेजिन करो कि आप तीन सौ पूरा दिन है तीन दिन है टेस्ट मैच में तो चार सौ ही बना सकते हो उनकी बातों में मैं आ गया और मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं नॉट आउट रहूं तो आप तीन ओवर खेलो तो उन्होंने वो पूरे तीन ओवर खेले मेक श्योर लास्ट बॉल पे सिंगल लिया और वो खेले मैं बाद में सोच रहा था कि अगर मैं वो बातें ना मानता राहुल द्रविड की तो शायद उन तीन ओवरों में अपने सोलह रन बना के तीन तो बना सकता था लेकिन खैर कहते हैं जो अच्छा होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है उनकी बात मानी गया नॉट आउट रहा एक उम्मीद थी कि शायद कल आऊँगा तीन सौ बनाऊंगा चार सौ बनाऊँगा लेकिन उम्मीद उम्मीद ही होती बहुत लोग आपके बारे में कंप्लेंट करते हैं और ऐसे अनिल कुंबले ने भी एक बार की थी एक सेंचुरी मेरी बन रही थी नाइन्टीज <laughs> में था अच्छा खासा चल रहा था मेरा मैं रन बनाने वाला था उतने में सहवाग आया सहवाग ने आके कहा कि अनिल भाई ऐसा क्यों करो मारो अनिल भाई ने मारा आउट हो गए ऐसे क्यों करते हो आप मैं, मैंने सुना ही नहीं क्या <laughs> ये स्टोरी है चलो यार अनिल भाई अच्छी बैटिंग करते मैं ये नहीं कर नहीं कर रही बट क्या ऑफ स्पिनर क्या तुम ऐसे खेल सकते हो तो मैंने सिर्फ उनको ये कहा ऑफ स्पिनर के आगे, आगे आप शॉट लगा सकते हो तो मुझे नहीं पता था कि अनिल भाई मेरी सुन लेंगे वरना हम अनिल भाई की सुनते थे हमेशा कि शॉट ले पे थोड़ा इधर हो जाओ ओके अनिल भाई थोड़ा इधर आ जाओ ओके क्या छोड़ दिया मैंने कहा अनिल भाई उनके साथ खाना खाने जाते थे बड़े मजे आते थे क्योंकि वो कभी भी क्रिकेट और नॉन क्रिकेट को अलग रखते थे जब ग्राउंड पे होते थे बड़ा गुस्सा बड़े आ, स्ट्रिक, इंटेंस स्ट्रिक्ट और इंटेंस रहते थे बाहर जाओ तो बड़ा हंसी मजाक उनके साथ बड़ा मजा आता था, था क्योंकि वो वेजिटेरियन थे तो नॉन वेज खाते थे मजाक करते थे नॉन वेजिटेरियन का बट मुझे लगा नहीं था क्या भाई मेरी वो बात इतनी सीरियसली <laughs> लेंगे और जल्दी मनाने के चक्कर में अपना दूसरा मिस करें बहुत रिग्रेट है उनको मुझे भी रहा कि मेरे एक ट्रिपल सेंचुरी ले लो सर